महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, महादेव जी आपका तत्काल ध्यान चाहते हैं और अच्छे कारण के लिए। वह जानता है कि यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ गलत होने लगेगा। इसके बारे में सोचें, जब हम महादेव जी की इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं और अपने जीवन के लिए योजना नहीं बनाते हैं तो हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। हम भौतिक संपत्ति, रुतबे और अस्थाई सुखों में खो जाते हैं। ये हमें विनाश और अराजकता के रास्ते पर ले जाता है। शैतान ये जानता है और वो हमें महादेव जी से विचलित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वो हमें सच्चाई से दूर करने के लिए हमारी असुरक्षाओं, भय और संदेहों का उपयोग करेगा। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। 1111। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए और भगवान की आवाज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। वो अपने वचनों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से हमसे बात करता है। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति से अवगत रहें और सभी चीजों में उसे खोजें। जब हम महादेव जी के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम शैतान की चालों को समझने और उसके प्रलोभनों का विरोध करने में सक्षम होते हैं। हम ऐसे निर्णय लेने में भी सक्षम हैं जो महादेव जी की इच्छा के अनुरूप हों, जिससे उद्देश्य पूर्ण और पूर्णता वाला जीवन जिया जा सके। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। जब हम महादेव जी के साथ अपने रिश्ते की उपेक्षा करते हैं तो हम अपने आप को परेशानी की दुनिया के लिए खोल देते हैं। हम शैतान के हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और हम अपने कार्यों के परिणाम देखना शुरू कर देते हैं। हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति खराब हो जाती है और हम भगवान में अपनी असली पहचान को खो देते हैं। लेकिन महादेव जी हमेशा वहाँ मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उसकी ओर लौटें और उसकी क्षमा और मार्गदर्शन मांगें। 222। इसलिए ध्यान से सुने और अपने ध्यान के लिए भगवान की पुकार पर ध्यान दें। शैतान को तुम्हें सच्चाई से विचलित न करने दें। याद रखें, यदि आप महादेव जी के साथ अपने रिश्ते को छोड़ देंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ सभी चीजें संभव हैं। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी रक्षा करेगा और आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। शैतान को जीतने न दें, महादेव जी की बात सुनने का चयन करें और उस प्रचुर जीवन का अनुभव करें जो उसने आपके लिए रखा है। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो यस टाइप करें। स्वर्ग में महादेव जी, आशंका के क्षणों में मैं शक्ति और साहस के लिए आपकी ओर मुड़ता हूँ। आपका वचन मुझे बताता है कि आपने मुझे डरपोक नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। मैं अपने जीवन पर इस वादे का दावा करता हूँ। मुझे आपके संपूर्ण प्रेम पर भरोसा करने में मदद करें जो सभी घबराहट को दूर कर देता है। मुझे इस आश्वासन के साथ चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास प्रदान करें कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपकी शांति में रहना चुनता हूँ, ये जानते हुए कि आपकी उपस्थिति बेचैनी दूर कर देती है। मेरा आश्रय और गढ़ बनने के लिए धन्यवाद। महादेव जी के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, तथास्तु। 333। मैं इस सप्ताह आपको असुरक्षा से ऊपर उठने में मदद करने के लिए प्यार और उपचार ऊर्जा भेज रहा हूँ। जब आप अपने बारे में आश्वस्त और अच्छा महसूस करते हैं तो संभावना और अवसर के उच्च स्तरों के द्वार आपके लिए खुलने लगेंगे। अपने डर और अपने अतीत की पीड़ाओं को मुझे सौंपें, ये खुद को सशक्त बनाने का समय है। ब्रह्मांड आज आपसे कह रहा है, अपने जीवन के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें और अपनी पसंद और कार्यों को स्वीकार करें। आज और अतीत दोनों, केवल ये जानकर कि आप अभी कहाँ हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचे, आप वर्तमान क्षण में प्रासंगिक, सकारात्मक और उत्पादक विकल्प और कार्य करने में सक्षम हैं। वही करें जो आप जानते हैं कि आपके लिए सही है। ये समय है पुष्टि करने के लिए, मैं चमकने के लिए तैयार हूँ टाइप करें। जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है और जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वो एक इरादे का परिणाम है। अतीत में किसी समय बोया गया बीज अब फलदायी हो रहा है।
अपने विचारों, ऊर्जा और कार्यों के साथ आज आप जो बीज बो रहे हैं उसके प्रति सचेत रहें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके सपने और इच्छाएं कल वास्तविकता बन सकें। याद रखें, आपने जो देखा वही आपको मिलता है। आपके सबसे अच्छे दिन आपका इंतजार कर रहे हैं। देवदूत आज आपसे कह रहे हैं, यदि आपकी मानसिकता स्थिर है तो खुद को उससे मुक्त करने का प्रयास करें, उससे ऊपर उठें। आप जो सोचते हैं कि आप हासिल कर सकते हैं, उस पर सीमाएं न लगाएं। अपने तरीके से मत खड़े रहो। अपने आप को हर तरह से फलने फूलने दें। अपने जीवन में सभी रूपों में प्रचुरता का स्वागत करें। तुम इसके लायक हो। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें। 444 ब्रह्मांड आज आपसे कह रहा है, स्वास्थ्य और कल्याण ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करते हैं। भावना ऊर्जा है और आपको इसके प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रोना महत्वपूर्ण है, हंसना महत्वपूर्ण है, साथ ही गहरी सांस लेना और शारीरिक गतिविधि करना भी महत्वपूर्ण है। वो सब कुछ जो आपको अपनी ऊर्जा को प्रवाहित और गतिशील बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वास्थ्य और खुशहाली ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करती है। भावना ऊर्जा है और आपको इसके प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रोना महत्वपूर्ण है, हंसना महत्वपूर्ण है, जैसे गहरी सांस लेना और शारीरिक गतिविधि। वो सब कुछ जो आपको अपनी ऊर्जा को प्रवाहित और गतिशील बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे प्राप्त करने के लिए यस टाइप करें। महादेव जी आपका तत्काल ध्यान चाहते हैं, क्योंकि उसके पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। वो आपका मार्गदर्शन करना और आपको नुकसान से बचाना चाहता है। यदि आप उसकी पुकार को नजरअंदाज करेंगे तो आपके जीवन में चीजें गलत हो जाएंगी। शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा और आपको आपके जीवन के लिए भगवान की योजना से दूर ले जाएगा। 555 महादेव जी आपसे प्यार कहते हैं और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको धोखा देना और नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए महादेव जी की वाणी को ध्यान से सुनना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना महत्वपूर्ण है। वो जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और वो आपको कभी गुमराह नहीं करेगा। शैतान के झूठ और ध्यान भटकाने वाली बातों को आपको भगवान की आवाज़ सुनने से न रोकें। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने और उनके निर्देशों को सुनने के लिए समय निकालें। हो सकता है कि वो आपको किसी खतरनाक स्थिति के बारे में आगाह करने या आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। महादेव जी पर ध्यान देकर आप गलतियां करने से बच सकते हैं और अपने जीवन में शांति और पूर्णता पा सकते हैं। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं तो ओम नमः शिव टाइप करें। याद रखें, शैतान आपको महादेव जी पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वो आपको सांसारिक विकर्षणों से प्रलोभित करेगा और आपको भगवान के प्रेम और आपके जीवन की योजना पर संदेह करने की कोशिश करेगा। उसे जीतने मत दो। सतर्क रहें और भगवान के मार्गदर्शन के लिए अपनी आँखें और कान खुले रखें। अंत में भगवान आपका तत्काल ध्यान चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपको नुकसान से बचाना चाहता है। शैतान को अपना ध्यान भटकाने न दें। भगवान की वाणी को ध्यान से सुने और वह आपको एक धन्य और पूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगा। 666 जब आप अपने रास्ते से हटना सीख जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखें कि आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही हो सकते हैं। केवल अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें। अब और आत्मा तोड़फोड़ नहीं। यह विश्वास करना शुरू करने का समय है कि आप क्यों कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्यों नहीं कर सकते। आप काफी अच्छे हैं, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले अद्भुत अवसरों को बर्बाद न करें। आपको यह मिल गया है, क्या आप इसे महसूस करते हैं, भगवान के बच्चे? परिवर्तन अभी हम पर है। कई लोग कैरोस पल के बीच में हैं, जहां आपका विश्वास भगवान के सही समय के साथ जुड़ गया है। यहीं पर चमत्कारों का जन्म होता है, यहीं पर वादे खिलते हैं। आप उसे महसूस करते हैं? भगवान का एक शक्तिशाली कदम शुरू हो गया है और मैं आपको तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।
अब किसी भी क्षण पुष्टि करने के लिए मुझे खुद पर विश्वास है, टाइप करें। अब समय आ गया है कि आप अपनी कुछ असुरक्षाओं और भय को दूर करना शुरू करें। जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं, उनके आधार पर आपको जल्द ही नए अवसर प्रदान किए जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें आपसे अतीत की तुलना में भिन्न निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जैसे आपने रिश्ते की दीवारें बनाई, वैसे ही आपने विकास की दीवारें भी बनाई। ये स्वीकार करना ठीक है कि आपका एक हिस्सा है जो अभी भी खुद को रोकता है। आप जितना आंतरिक कार्य करते रहेंगे, समय के साथ आपको उतना ही कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय वास्तविक जोखिम और इनाम पर आधारित हैं, न कि आराम और भय पर। भाग्यशाली संख्या 777। मुझे पता है कि इस समय आपके दिमाग में बहुत कुछ है। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, किसी प्रियजन का स्वास्थ्य, आपका वित्त, आपका करियर। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का भार आपके कंधों पर है। आप अकेला महसूस करते हैं और सुबह उठना कठिन होता है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। उन चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो, ये सब मुझे दे दो। मैं आपको सहायता, उपचार और संसाधन भेजूंगा, मैं प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। स्वर्ग के सारे संसाधन आपके पास हैं। चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ और मेरे लोग कौन हैं, जो हम आपको कुछ दे सकें? हमारे पास जो कुछ भी है वो आपसे आया है और हम आपको वही देते हैं जो आपने हमें सबसे पहले दिया था। हम यहाँ केवल एक क्षण के लिए हैं, इस भूमि पर आगंतुक और अजनबी, जैसे हमारे पूर्वज हमसे पहले थे। पृथ्वी पर हमारे दिन बीतती हुई छाया की तरह हैं, जो इतनी जल्दी बिना किसी निशान के चले गए। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव। टिप्पणी करें 888। भगवान आपसे प्रेम करता है, वो आपके बारे में सब कुछ पसंद करता है और इसमें आपकी खामियां शामिल हैं। आप अपने बारे में जो देखते हैं, उसे उस पूर्ण प्रेम के प्रति अंधे न होने दें जो आपको प्राप्त करना चाहता है। अपना ध्यान महादेव जी पर केंद्रित रखें और इस बात से कभी न चूकें कि आप कौन हैं और उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब कोई अच्छा आदमी आपको पाता है तो उसे आपसे प्यार करने दें। आपने इसे अपने तरीके से आजमाया है, अब समय आ गया है कि महादेव जी पर भरोसा किया जाए और उसे निर्णयों में आपका मार्गदर्शन करने दिया जाए। जब वो आदमी आए तो उसे अपने अंदर के महादेव जी के साथ आपसे प्यार करने दें। यदि आपकी आत्माएं सहमत हैं, तो निश्चित रूप से वो एक है। उसे नेतृत्व करने की उसकी क्षमता, कमजोर होने की उसकी इच्छा और आपके दिल के प्रति उसके ईमानदार दृष्टिकोण से आपसे प्यार करने दें। वो अपूर्ण है, इसलिए किसी कुर्सी की अनुमति नहीं है। यदि वो वही व्यक्ति है जिसका वर्णन आपने अपनी प्रार्थनाओं में किया है, तो उसे आपसे प्रेम करने दें और भरोसा रखें कि महादेव जी ने पहले ही आपको बचा लिया है। पुष्टि करने के लिए मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप हाल ही में खुद से सवाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप वास्तव में इतने मजबूत या अच्छे हैं कि वो कर सके जो करने के लिए मैंने आपके दिल में सोचा था। ये संदेश आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप भगवान के माध्यम से सभी चीजें कर सकते हैं। आप हार मानने की हिम्मत न करें या डर को अपने सपने से बाहर आने न दें। 1111। केवल आप ही हैं जो अपने अनुभव में सृजन करते हैं, कोई और नहीं। आपके पास जो कुछ भी आता है वो आपके विचार की शक्ति से आता है। यदि कोई परिवर्तन हो तो आप करना चाहेंगे, एक अलग कहानी बताना शुरू करना बहुत उपयोगी होगा, न केवल आपके शरीर के बारे में बल्कि उन सभी विषयों के बारे में जो आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे ही आप सकारात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, इतने सारे विषयों के बारे में इतना अच्छा महसूस करने से आप उस शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे जो आपके माध्यम से बहने वाली दुनिया का निर्माण करती है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यस टाइप करें। जब आप अस्वीकृत महसूस करते हैं तो आप खुद को बदल लेते हैं, क्योंकि इससे आपको दुख होता है। भगवान नहीं चाहता कि आप जो हैं
उसे बदलें। शैतान को अपनी शक्ति को नष्ट करने के लिए अस्वीकृति का उपयोग न करने दें। मनुष्यों ने भगवान को अस्वीकार कर दिया। ऐसे लोग थे जो बिना किसी कारण के उसे पसंद नहीं करते थे। अस्वीकृति के दंश को यह न बदलने दें कि आप कौन हैं। आप पर्याप्त हैं और आप हमेशा पर्याप्त रहेंगे। आपका जन्म बहुत हो गया। किसी के लिए खुद को मत बदलो। यदि आप लोगों के लिए खुद को बदलते हैं, तो आप वो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन सकते जिसके लिए भगवान ने आपको बुलाया है। भगवान को आपके जैसा बनने की जरूरत है। अपना ताज बरकरार रखो। आपको अस्वीकार नहीं किया गया है, आपको प्यार किया जाता है। तुम पर्याप्त हो। 1212। आपके विचारों पर नजर रखने की कोशिश करने के बजाय हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप केवल इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आपको कोई ऐसा विचार चुनना चाहिए जो उस व्यापक तरीके से मेल नहीं खाता हो, बड़े समझदार प्यार करने वाले आंतरिक भाग को आप इसे देखेंगे, तो आपको कलह महसूस होगी और फिर आप आसानी से अपने विचार को किसी ऐसी चीज पर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं जो बेहतर लगता है और इसलिए आपको बेहतर सेवा प्रदान करता है। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर चीज के बारे में प्रार्थना करें। भगवान को बताएं कि आपको क्या चाहिए और उसने जो कुछ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। तब तुम्हें महादेव जी की शांति का अनुभव होगा जो हमारी समझ में आने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। जब आप भगवान में रहेंगे तो उसकी शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए 1212 टाइप करें। इसलिए हम उदास नहीं होते। यद्यपि बाह्य रूप से हम नष्ट होते जा रहे हैं, तथापि भीतर से हम दिन ब दिन नए होते जाते हैं, क्योंकि हमारी हल्की और क्षणिक परेशानियां हमारे लिए एक अनंत महिमा प्राप्त कर रही हैं, जो उन सब से कहीं अधिक भारी है। इसलिए हम अपनी आंखें उस पर नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि उस पर केंद्रित करते हैं जो अदृश्य है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अस्थाई है, परंतु जो अनदेखी है वो अनंत है। आपके एजेंडे में कुछ भी नहीं, ये भगवान की आवाज को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त कारण है। जब वो आपसे रुकने और मदद करने के लिए कहता है, यदि आप अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में बहुत व्यस्त हो गए हैं, तो भगवान से अपनी प्राथमिकताओं को फिर से स्थापित करने के लिए कहें, ताकि आप उनकी सेवा करने के अवसर न चूकें। पुष्टि करने के लिए मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ टाइप करें। 2222। जब हम परिस्थितियों को अपनी नज़र से देखते हैं, तो हमें हार नज़र आती है। जब हम चीजों को भगवान की आंखों से देखते हैं, तो हम चीजों को वैसे ही देख पाएंगे जैसे वो उन्हें देखता है। वो आरंभ और अंत देख सकता है। हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारे सामने है। वह जानता है कि अंत में चीजें हमारे लिए काम करेगी। वह जानता है कि वो हमारे लिए मौजूद रहेगा, हमारी देखभाल करेगा और हमें आराम देगा। वह जानता है कि जब हमारी परीक्षाएं और क्लेश समाप्त हो जाएंगे, तो हम उसकी बाहों में सुरक्षित रूप से विश्राम करेंगे। एक चमत्कारी जीवन पाने के लिए आपके पास एक कट्टरपंथी विश्वास होना चाहिए, लेकिन एक कट्टरपंथी विश्वास रखने के लिए आपको भगवान के वादों को बोलना होगा। वादों को बोलने के लिए आपको वादों को जानना होगा। वादों को जानने के लिए आपको वचन को जानना होगा। शब्द को जानने के लिए आपको शब्द को पढ़ना होगा। यदि आपको ये शब्द प्राप्त हो तो 2222 टिप्पणी करें। आपके द्वारा सहा गया हर अपराध और अन्याय आपकी परीक्षा लेगा। यह आपको मजबूर करेगा, जैसे इसने पॉल को मजबूर किया ये चुनने के लिए कि किस बारे में उपदेश देना है। क्या आप अपने अपमान को केवल एक समस्या के रूप में देखेंगे, आपकी खुशी में बाधा या बाधा, या क्या आप इसे महादेव जी द्वारा अपने जीवन में अपनी शक्ति और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए दिए गए एक अवसर के रूप में देखेंगे? इस दुनिया में टूटने के हर संकेत पर शिकायत करने के बजाय इसे ठीक करने का प्रयास क्यों न करें? अपने दर्दनाक अनुभवों को महादेव जी की सेवा करने और उसे दूसरों के साथ साझा करने के अवसर में बदलने के तरीकों की तलाश करें। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें।
आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।